वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके की जो बीबी जी की मस्जिद है, आज हम वॉच करेंगे और उसकी हिस्ट्री भी जानेंगे। लेकिन अगर उसकी हिस्ट्री में यहाँ रहकर बताऊँ और एक हिस्ट्री उस जगह पर जाकर अगर बताऊँ तो दोनों में डिफरेंट रहेगा, इंटरेस्टिंग में। तो चलिए हम उस जगह पर, उस प्लेस पर जाकर हम उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो मौलाना, अगर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ गाइड करना चाहोगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हम जो ये वीडियो बनाते हैं, बड़ी मशक्क़त से और मेहनत से बनाते हैं, और ये जो अहमदाबाद सिटी का हमारे हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आपको दिखाना भी ज़रूरी है और ये हमें जानना भी ज़रूरी है कि हमारी सिटी के अंदर कितने हिस्टोरिकल प्लेस है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के अंदर, और कमेंट्स भी करें, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। चलिए आपको ले चलते हैं। दोस्तों, हम वो बीबी जी की मस्जिद के पास पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर हम इस मस्जिद के मुतालिक बात करें, इसको बीबी जी की मस्जिद क्यों कहा जाता है, और इसको इसका दूसरा नाम है झूलते मीनारे वाली मस्जिद। तो ये हज़रत खुंद अमीर रहमतुल्लाह अलैह, इनके बाप दादा ईरान से पट्टन तशरीफ़ लाए। जब अहमदाबाद शहर नहीं बसाया गया था, उससे पहले ये पट्टन तशरीफ़ लाए। जब अहमदाबाद बसाया गया तो फिर वो पट्टन से यहाँ तशरीफ़ लाए अहमदाबाद। तो जब ये छोटे थे तो बचपन में इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो इनकी वालिदा बहुत नेक खातून थी, पाकीज़ा ताहिरा खातून थी। तो हमेशा यही दुआ करती अपने बच्चे के लिए कि अल्लाह, अगर ये मेरा बच्चा बड़े होकर औलियाउल्लाह में से बने तो उसको ज़िंदा रखना, वरना उसको ज़िंदा मत रखना। चुनाचे 11 साल की उम्र में हज़रत कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत खुंद अमीर रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत अता फरमाई। मैंने कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात पर मुस्तकिल वीडियो भी बनाई है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर विज़िट कीजिए। तो ये इनको 11 साल की उम्र में इनको खिलाफत अता फरमाई। तो सुल्तान कुतुबुद्दीन गुजराती जो थे, इनके वज़ीर थे मलिक शाबान, इनसे बहुत अकीदत रखते थे। हुकूमत के कामकाज की वजह से इनके पास वक्त नहीं था इनकी खिदमत करने के लिए, तो उन्होंने अपने दामाद या अपने बेटे को, मलिक खुशबाश को, उनकी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। तो एक मरतबा बीबी जी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे खुंद अमीर रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मलिक शाबान से दरगाह और मस्जिद की जगह मांगिए। चुनाचे मलिक खुशबाश ने मलिक शाबान से कहा। मलिक शाबान ने जो अपने लिए मस्जिद और दरगाह की जगह तैयार की थी, वो देने के लिए राज़ी हो गए बीबी जी रहमतुल्लाह अलैह को। चुनाचे बीबी जी रहमतुल्लाह अलैह को, चुनाचे बीबी जी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर पहुँची, जो मलिक शाबान का जो रोज़ा है रखियाल के अंदर, वहाँ पर पहुँची और वहाँ से एक फूल सूंघा और कहा कि हम दोनों में से जो भी दुनिया से रहलत कर जाएगा, यानी वफात पा जाएगा सबसे पहले, तो वो यही दफन होगा। चुनाचे इत्तिफाकन करना, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मलिक शाबान पहले गुजर गए, तो वो उनके उनको वहाँ दफन किया गया, और बीबी जी रहमतुल्लाह अलैह को बाद में रहलत कर गए, दुनिया से वफात हुई, तो इनको यहाँ अतराब में इनको दफन किया गया। इंशाअल्लाह मैं उनको यानी कब्र मुबारक की भी ज़ियारत कराऊँगा आपको। तो ये बीबी जी की जो मस्जिद है, ये मलिक सुल्तान कुतुबुद्दीन गुजराती ने बनवाई है इनके नाम पर, बीबी जी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर। इसमें मुलुक खाना भी है, मैं आपको ऊपर से अगर इजाज़त देंगे तो ऊपर से भी आपको अंदर से ज़ियारत कराऊंगा, क्योंकि मुलुक खाना है, बादशाहों का आना जाना रहता था, और यहाँ बादशाह आकर अपनी नमाजें जुमा अदा करते थे, दूसरी दिगर नमाजें भी अदा करते थे, तो ये मुलुक खाना इसीलिए बना। दोस्तों, ये झूलते मीनारे वाली भी मस्जिद कहा जाता है इसको। ये झूलते मीनारे, इसके मीनारे भी हिलते। अहमदाबाद में चार झूलते मीनारे मशहूर है, एक सीदी बशीर रहमतुल्लाह अलैह की जो मस्जिद है उसके दो मीनारे, और ये बीबी जी रहमतुल्लाह अलैह के मीनारे। दोस्तों, जब अंग्रेज या हमारे देश में आए तो उन्होंने ये अजूबा देखा झूलते मीनारे वाला, तो उन्होंने ये झूलता मीनारा
उसको ढूंढने के लिए, उसकी तफ्तीश के लिए, जो आपको जो मीनारा दिख रहा है टूटा हुआ आधा, तो इन्होंने गिरा दिया था कि उसकी तफ्तीश के लिए कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो यही मस्जिद के मीनारे को उन्होंने तोड़ दिया था। और कुछ हिस्ट्री में लिखा है कि 100 या 150 साल पहले इस मीनारे पर बिजली गिरने की वजह से ये मीनारा टूट गया था। दोस्तों आपको ये बुलुक खाना बता रहा हूँ कि जिसमें या बादशाह लोग खाते थे और या नमाज जुमा अदा करते थे। दोस्तों ये मुलुक खाना है, हम जहाँ खड़े हैं ये मुलुक खाना है। यहाँ लोग बादशाह और रॉयल फैमिली जब यहाँ आती थी ये इलाकों में, तो यहाँ आकर ये नमाज़ें अदा करती थी ताकि वो पब्लिक के हुजूम से बच सके। आप देख सकते हो अंदर से। तो ये बीबी जी रहमतुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है, ये इनका मकबरा है। दोस्तों अगर आपको हमारी हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर नए हो चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।